This meeting. हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। एज कंपेयर टू एन अमीबा, अमीबा के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जो होल प्रोसेस है न्यूट्रिशन की ह्यूमन के अंदर वो क्या कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। अमीबा क्या सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल होता है, जबकि आपका ह्यूमन बींग्स जो है, ठीक है, वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है ना भाई, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बहुत सारी सेल होती है इसके अंदर, ठीक है। द फूड जो पास करता है थ्रू ए नंबर ऑफ ऑर्गन्स, ह्यूमन के अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जिससे कि फूड जो पास होता है, दैट टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि पूरा पूरा क्या बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक होता है और कुछ ऑर्गन भी होते हैं जैसे कि आपका गल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, लीवर है, स्टमक रहेगा, ठीक है। उनको हम जो पढ़ लेंगे स्टेप बाय स्टेप जो इन नेक्स्ट सेक्शन। द डाइजेस्टिव ट्रैक इज ए, डाइजेस्टिव ट्रैक है क्या, ये क्या एक लॉन्ग ट्यूब होती है, क्या होते हैं लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और ये कहाँ तक जाती है, एनस तक जाती है भाई, ठीक है। जैसे क्या रहेगा आपका जो माउथ बनाना, जैसे मैंने कल सिखाया था, वन बाद ये टू थ्री फोर, और ये आप जो आसानी से, ठीक है, ऐसे जो माउथ को जो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, ये क्या रहेगी, नोज रहेगी। अब यहाँ से जो है नोज है और यहाँ से क्या ये, ठीक है, ये फूड पाइप जा रहा है, ठीक है। इसके थ्रू ये क्या है, आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसे आप फूड पाइप या फिर जो इसोफेगस भी आप कहते हैं। अब यहाँ से जो खाना डायरेक्ट जो कहाँ पे जाता है, वो जाता है स्टमक के अंदर, कहाँ पे जाएगा, स्टमक के अंदर। अब स्टमक जो होता है कैसा होता है, वह जो है जे शेप या फिर जो है आम के आकार का, ठीक है, मैंगो शेप जो है, ठीक है, ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पर जाकर के जो खाना डायरेक्ट जाता है, ठीक है, स्टमक रहेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पर जो है, ठीक है, पैनक्रियाज वगैरह रहेंगे भाई, ठीक है, जो है, ठीक है ना, पैनक्रियाज रहता है। फिर यहाँ पर जो क्या है, एक और लीवर भी बना रखा है, ठीक है, लीवर रहता है, ठीक है, ये लीवर टाइप रहेगा। फिर उसके अंदर क्या रहेंगे, यहाँ पर जो है इसके अंदर जो गैल ब्लैडर वगैरह रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो है गैल ब्लैडर रहते हैं, ये भी ऑर्गन है, ठीक है, बाइल जूस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जो बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, कौन कौन से रहेंगे, जो है स्टमक रहेगा, लीवर रहेगा, पैनक्रियाज रहेगा, ठीक है भाई, ये सारे के सारे ऑर्गन रहेंगे। और लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन, जब का लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद जो है रेक्टम है, एनस है, ये जो पोर्शन जो होने वाले हैं। तो माउथ से लेकर के एनएस तक का जो ट्रैक होता है, इसको आप क्या कहते हैं, पूरा पूरा जो है एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो है देख चलते हैं आगे, फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। जो फूड जो होता है डाइजेस्ट होता है, कौन करता है फूड को डाइजेस्ट, डाइजेस्टिव जूस जो है डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट कौन करेगा, डाइजेस्टिव जूस करेंगे। अब ये सीक्रेट किया जाता है किसके द्वारा, वेरियस ब्लड के द्वारा, जो कि डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर आते हैं। तो कौन कौन से रहेंगे आपके, सलाइवरी ग्लैंड रहेंगे, लीवर रहेगा और पैनक्रियाज रहेगा। ये क्या है, कुछ जो ग्लैंड है, ठीक है, ये तीनों क्या है, ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियाज। लीवर जो होता है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, लीवर रहेगा भाई, ठीक है, याद रखोगे इसको, लार्जेस्ट ग्लैंड। ग्लैंड के एक तरह से ग्रंथी होती है, इनसे क्या होता है, कुछ जो है सीक्रेट होता है, लिक्विड टाइप यहाँ से सीक्रेट होगा, तो सीक्रेट जो सीक्रेट्स यहाँ से निकलते हैं उसे हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। अब ये डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं, ये हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट द फूड, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे डाइजेस्टिव जूस, ठीक है भाई। इसके बाद जो हम चलते हैं नेक्स्ट आपका इंजेशन, क्या है इंजेशन। तो न्यूट्रिशन के अंदर जो ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, उसके अंदर जो फर्स्ट जो पॉइंट आता है न्यूट्रिशन के अंदर, ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन में जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इंजेशन का। अब इंजेशन क्या होता है, फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू जो है बॉडी, ठीक है, के अंदर जो फूड जो है एंटर करता है, फिर वहां पर क्या होता है, उसको चबाया जाता है, च्यू किया जाता है। वी हैव, अब इस काम के लिए हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है, जो भी चीरने फाड़ने का काम अलग करते हैं, कट करने का काम अलग करते हैं, च्यू करने का अलग काम करते हैं, ठीक है,
कट करने वाले इंसीजर होते हैं, ठीक है, और जो टीयर करने वाले, चीरने फाड़ने वाले कैनिन्स होते हैं, फिर उसके बाद जो क्या रहेंगे, च्यू करने वाले, ग्रिन करने वाले प्रीमोलर रहेंगे, और जो जिनकी व्हाइट सरफेस होती है, ग्रिंडिंग सरफेस, वो मोलर रहते हैं, ठीक है। मोलर और प्रीमोलर दोनों काम क्या है, च्यू करने का, ग्रिंड करने का जो काम होता है, ठीक है भाई। तो ये चार टाइप के जो यहाँ पर टीथ रहेंगे, कौन कौन से जो टाइप ऑफ टीथ है यहाँ पर, आपके इंसीजर है, कैनिन है, प्रीमोलर है और मोलर्स है, ठीक है। तो आपका इंसीजर के बारे में हम जो यहाँ पर जो बात करने वाले, सबसे पहले इंसीजर, इंसीजर क्या है, ये जो आप सभी जो अपने नोटबुक में भी आप जो लिख लेंगे, इंसीजर्स नंबर वन टाइप के जो टीथ हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड बाइटिंग टीथ। बाइटिंग टीथ भी हम इन्हें कहते हैं, काटने वाले, ठीक है। ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, सामने वाले जो फ्रंट वाले जो टीथ हैं, ठीक है, जो ऐसे होते हैं, जो कि ऊपर भी होते हैं वही, ठीक है, और नीचे भी होते हैं, ठीक है। ये नीचे वाले हो गए, ठीक है, ऐसे ही क्या रहेंगे, ऊपर वाले भी रहेंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसीजर। जैसे कि आप डायग्राम में भी आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक, इंसीजर जो है क्या रहेंगे, ये वाले, ये फ्लैट है, ठीक है, कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं और ब्रेड लाइक टीथ होते हैं, ठीक है। इंसीजर्स आर फ्रंट टीथ, जो फ्रंट टीथ रहेंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंसीजर्स कहेंगे, एंड आर सो कॉल्ड बिकॉज दे हेल्प टू इंसाइज, ठीक है, इंसाइज करने में, फिर कट करने में काम आते हैं। सबसे पहले जो टीथ जो आते हैं, ठीक है, इंसीजर्स ये आते हैं भाई, ठीक है, तो ये इंसीजर्स कहलाते हैं। इंसीजर आपके ये रहेंगे, ठीक है, ये कितने होते हैं, चार होते हैं, कितने होते हैं, चार, ठीक है, एडमिट, ठीक है भाई, ये इंसीजर्स रहेंगे। अब टोटल हाउ मेनी टीथ होते हैं भाई, कितने कितने टीथ होते हैं हमारे पास, जल्दी बताइए। कि नॉर्मल ह्यूमन के अंदर जो टीथ रहेंगे, नॉर्मल ह्यूमन में, सर 30 सर थर्टी थर्टी टू थर्टी टू ह्यूमन के अंदर टोटल टीथ जो होते हैं, वो देखो अभी जो है इसकी जो है पूरे जो है राम कहानी अभी हम गा देते हैं इसको, देखो 32 होते हैं भाई, ठीक है, 32। अब ये टू पेयर्स में होते हैं, ठीक है, एक तो होता है 16 तो होते हैं आपके अपर जा में, ठीक है, 16 कहाँ पे रहेंगे, अपर जा में, ठीक है, ऊपर का जो जबड़ा होता है, ठीक है, जबड़े को हम क्या कहते हैं, जा कहते हैं, वो 16 कहाँ पे रहते हैं, लोअर जा में होते हैं, ठीक है, लोअर जा, ठीक है, लोअर जा में रहेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ पर होंगे, लोअर जा के अंदर रहेंगे। अब अपर जा, अब सी ये 16 भी जो कैसे डिवाइड होते हैं, इन 16 मान लेते हैं हम, ठीक है, अपर जा को, ठीक है, हम जो है और लोअर वाले को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से, एक तो राइट, ठीक है, और दूसरा लेफ्ट, ठीक है, ये सिमेट्री होती है, ठीक है, पेयर में होता है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम राइट में बात करें, ठीक है, राइट में जो आप इंसीजर जो होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, दो, ठीक है, और लेफ्ट में भी इंसीजर कितने होते हैं, ठीक है, इंसीजर रहेंगे कितने रहेंगे, वो भी दो रहेंगे, ठीक है, लेफ्ट में भी जो है, ठीक है। अब कैनिन, ठीक है, कैनिन जो होते हैं वो भी कितने होते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, वन वन रहेंगे भाई, ठीक है, कैनिन जो है, ठीक, कितने रहेंगे, वन रहेगा, ठीक है, वन यहाँ पर जो, ठीक है, सर 8 होना चाहिए टोटल जो समझे, ठीक है, यहाँ पर कैनिन कितने रहेंगे, वन रहेंगे, कितने रहेंगे, वन रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका आएगा, ठीक है, जो आएगा वो प्री मोलर, ठीक है, प्री मोलर, फिर इसके बाद जो है मोलर, ठीक है, यहाँ पर जो, थोड़ा सा इसको जो है, ठीक है, बड़ा कर देते हैं ताकि आपको जो है यहाँ पर जो दिखाई, ठीक, और आ रही ऊपर की ओर, हाँ यहाँ पर देखे, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्या रहेंगे, तीन मोलर हैं और दो ये रहे, ठीक है, 3 2 5 और 3 8, ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर भी रहेंगे आपके, ठीक है, प्री मोलर, वो कितने होते हैं, लेफ्ट में भी दो होते हैं, और जो आपके मोलर होते हैं वो भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, ये भी टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार जो है आपके जो टीथ का क्या होता है, बंटवारा होता है यहाँ पर जो पार्टीशन जो हमने किया हुई, ठीक है, ऐसे क्या रहेगा, ये अपर जा के अंदर थे, ऐसे ही लोअर जा के अंदर भी रहेंगे, ठीक है। तो आप जो इस प्रकार यहाँ पर कह सकते हैं, इंसीजर जो कितने हैं, राइट में लेफ्ट में आपको बता दिया है, ठीक है, टोटल इंसीजर कितने होते हैं, टोटल इंसीजर, ठीक है, टोटल इंसीजर कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे, चार, ठीक है, और ठीक है, कैनिन कितने हो जाएंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, एक अपर जा के अंदर जो बात कर रहे हैं, ठीक है, टू कैनिन कितने हो जाएंगे, टू, और जो आपके प्री मोलर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, और जो मोलर हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, छह हो जाएंगे, ठीक है, टोटल कितने हो गए, चार चार 8, 8 6 14 और 10 16, 16 हो गए, ठीक है।
ऐसे ही क्या रहेंगे ठीक है, लोअर जा में भी रहेंगे ठीक है, उनको तो फिर से जो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है, तो इतने जो यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, इंसिजर कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे वहाँ पर जो है, ठीक है, कैनिन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और ठीक है प्री मोलर कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, प्री और जो आपके मोलर होंगे वो कितने होंगे, 12 हो जाएंगे टोटल जो, ठीक है मिला करके, ठीक है मतलब चारों तरफ तीन तीन तो यहाँ पर रहेंगे ये वाले ठीक है, तीन ऐसे यहाँ पर रहेंगे ठीक है, ऐसे तीन यहाँ पर रहेंगे ठीक है, तीन यहाँ पर रहेंगे ठीक है, ये मोलर है ठीक है, जबकि दो दो आपके दो इधर है ठीक है, मोलर दो इधर ये रहे ठीक है, दो मोलर इधर रहेंगे आपके ठीक है, दो मोलर इधर रहेंगे ठीक है, इस प्रकार से क्या होते हैं डिवाइडेड होते हैं सारे के सारे। फिर आपका कैनिन, कैनिन जो होता है एक कैनिन यहाँ पर होता है ठीक है, कैनिन ये रहेगा ठीक है, एक कैनिन जो है ठीक है इधर की तरफ ये रहा ठीक है, कैनिन क्या रहा ये रहा ठीक है, ऐसे जो ये क्या है ये सी ठीक है, कैनिन कहलाते हैं ठीक है, कैनिन कितने 4 है हमारे पास केवल ठीक है, कितने कैनिन हमारे लिए 4 होते हैं केवल ठीक है, ये सीधे पढ़ने काम आते हैं, ज्यादातर जानवर के अंदर कैनिन वाले होते हैं ठीक है, ये टीयरिंग ठीक है, जब हम ठीक है ह्यूमन नहीं थे मतलब जानवर रहे होंगे ठीक है, तो हमारे पास जो कैनिन जो टीथ रहे होंगे, अब ये ज्यादा यूज होते हैं चीरने फाड़ने काम आते हैं, शिकार को जो है चीरने फाड़ने काम करते हैं, जो आप देखोगे ठीक है डॉग्स हैं या फिर जो लायन है टाइगर है उनके पास ये वाले कैनिन वाले दांत जो होते हैं ठीक है, जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट की तो कैनिन का यूज जो कम हो गया ठीक है, तो हमारे जो इंसीजर जो है यहाँ पर डेवलपमेंट आ गए, तो इंसीजर जो ये रहेंगे आपके ठीक है 4 ठीक है, ये ऊपर वाले में और 4 जो नीचे वाले कहलाते हैं ठीक है, तो टोटल जो 8 हो जाते हैं यहाँ पर ठीक है, तो टीथ का जो है ठीक है यहाँ पर जो आपको पता चला टीथ कैसे जो आपके डिवाइडेड होते हैं। यस सर ठीक है, ये रहेंगे ठीक है, जो इंट्रो कर दिया मैंने इनको, अब जो थोड़ा थोड़ा एक एक करके जो इन टीथ के बारे में जो जो इनका इंट्रोडक्शन है ठीक है, वो जो यहाँ पर जो पढ़ लेते हैं ठीक है। तो क्या है इंसीजर, इंसीजर को हम क्या कहते हैं, बाइटिंग टीथ भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाइटिंग टीथ भी कहते हैं, ये ब्लेड लाइक टीथ होते हैं, इंसीजर जो होते हैं फ्रंट टीथ होते हैं आपके, और इन्हें इसलिए कहते हैं इंसीजर क्योंकि ये इंसाइज करने काम आते हैं, इंसाइज की मीनिंग होता है कट होता है ठीक है, फूड को जो कट करने काम आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जो इंसीजर कहते हैं। उसके बाद बात करें कैनिन्स, कैनिन्स के अंदर आल्सो कॉल्ड एज चीरिंग टीथ, चीरने फाड़ने के जो दांत होते हैं वो कैनिन्स कहलाते हैं, दे आर वेरी शार्प शार्प एज होते हैं ठीक है, नुकीले होते हैं एंड हेल्प टू टीयर द फूड, फूड को जो है टीयर करने के काम आते हैं ठीक है, एक एक ठीक है, एक लेफ्ट में एक राइट में, अपर लेफ्ट लोअर लेफ्ट ठीक है, ऐसे ही अपर राइट और लोअर राइट में रहेगा ठीक है, कैनिन जो है ठीक है, एक करके होते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर जो होते हैं ब्रोडर सरफेस होती है इनकी एंड देयरफॉर हेल्प टू च्यू, च्यू माने मतलब चबाने के, और जो ग्रिंड, ग्रिंड मतलब ठीक है उसको जो घिसने के ठीक है जो काम आते हैं फूड को जो है ठीक है, चबाने के काम आते हैं प्रीमोलर जो है ठीक है, जाड़ के दांत में इन्हें कहते हैं ठीक है भाई, और ये मोलर रहता है आपका ठीक है, मोलर क्या है लार्ज बैक टीथ है ठीक है, पीछे वाले हैं बड़े होते हैं, दे हैव ए वाइड ग्राइंडिंग सरफेस एंड आर यूज टू प्राइमरीली टू च्यू फूड ठीक है, और ये यूज किए जाते हैं ठीक है, पहले जो है ठीक है मतलब सबसे पहले फूड को च्यू करने का काम कौन करते हैं, मोलर करते हैं ठीक है भाई, ये रहेगा यहाँ पर जो। अब ये 4 जो टाइप है किसके टीथ के जो भी आप जो देख सकते हैं यहाँ पर जो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर ठीक है, रहेगा भाई यहाँ पर ये ठीक है मोलर ठीक है, ये रहेगा परमानेंट सेट ऑफ योर टीथ का, ये रहेगा भाई। अब ह्यूमन जो है इसकी बात करते हैं, ह्यूमन जो है पूरा इसके बाद 2 सेट ऑफ टीथ होता है, 2 सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम, दो बार दांत आते हैं आते नहीं, एक बार ठीक है टेम्परेरी सेट होता है, एक बार जो परमानेंट सेट होता है, टेम्परेरी सेट को हम जो है ठीक है दूध के दांत भी कहते हैं, जो कि छोटे बच्चों के पास होते हैं, बेबी के पास होते हैं, और ये लगभग ये जो है 8 से 10 साल की उम्र तक जो है ठीक है टूट जाते हुए ठीक है, 8 से 10 के ज्यादा बात करें 8 से कम की उम्र में ही ठीक है क्या हो जाएंगे टूट जाते हैं ठीक है, तो नए जो टीथ आते हैं वो परमानेंट होते हैं, फिर वो टूटते नहीं है बिल्कुल भी ठीक है, मजबूत होते हैं भाई ठीक है। इसके बाद जो है टेम्परेरी सेट हैज 20 टीथ, टेम्परेरी सेट के अंदर जो है 20 टीथ होते हैं, विच आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ, यानी हम क्या कहते हैं मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत भी कहते हैं ठीक है भाई, 20 होते हैं लगभग अराउंड द एज ऑफ 6 एंड द मिल्क टीथ स्टार्ट्स फॉलिंग आउट ठीक है, ये 6 की उम्र में ही ठीक है 6 वर्ष की उम्र के आसपास जो है ठीक है गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और 8 या 10 तक जो सारे के सारे 20 के 20 जो गिर जाते हैं ठीक है, 6 में गिरना स्टार्ट होते हैं बेटा मैंने ये कहा है ठीक है, गिविंग वे टू द परमानेंट टीथ, जिससे क्या होता है थोड़ी देर के फिर उसके बाद जो पुराने दांत जो मिल के टीथ है टूट जाते हैं, तो नए टीथ आते हैं परमानेंट टीथ ठीक है। इसके बाद क्या है इन द परमानेंट सेट देयर आर 32 टीथ, परमानेंट सेट के अंदर जो लगभग कितने टीथ होते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के अंदर है ठीक है, जो कि ठीक है एक अडल्ट के अंदर रहेंगे ये 32 टीथ होते हैं, 16 ईच ईच जा
ठीक है, प्रत्येक जबड़े के अंदर 16 रहते हैं, देयर आर 4 इंसिजर्स, 4 इंसिजर्स रहेंगे और 2 कैनिन्स रहते हैं वहां पर, ठीक है, जबकि 4 जो प्री मोलर रहते हैं और 6 मोलर रहते हैं प्रत्येक जा के अंदर, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। और दोनों जबड़ों की अगर बात करते हैं इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। ये जो दांतों का चुके जो है इसका क्या रहा, पूरा ब्यौरा रहा, ठीक है, जो कि आपका डाइजेशन जो स्टार्ट होता है माउथ से होता है, ठीक है, माउथ के अंदर ही रहा। अब माउथ के अंदर, ठीक है, इस माउथ को पूरे को जो है ना, ठीक है, हम क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है ये वाला जो पूरा होता है इसको कहते हैं बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी हम जिसे कहते हैं, बक्कल कैविटी, ठीक है, ये जो कहलाता है, ठीक है। अब बक्कल कैविटी इसमें देखो तीत हो गई तो तीत का यूज पता चल गया, फिर इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, टंग भी तो है इसके अंदर, ये क्या है, ये टंग है, ठीक है, टंग भी रहेगी यहाँ पर जो है, ठीक है, टंग का यूज हम आगे देखने वाले हैं। फिर इसमें क्या होता है यहाँ पर जो है, ठीक है, इसके नीचे जो है स्लेवरी ग्लैंड होते हैं, क्या होते हैं, स्लेवरी ग्लैंड रहेंगे, ठीक है, उनका भी हम यूज है यहाँ पर देखेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर जो जबड़े के नीचे, ठीक है, रहते हैं स्लेवरी ग्लैंड रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, इनका भी क्या यूज है वो यहाँ पर हम देखने वाले आगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अब आगे की तरफ चलते हैं हम टंग के पास जो है, ठीक है, टंग का क्या यूज है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है थिंग्स आई है भाई, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ अवर टीथ। अब अपने दांतों की जो हम, ठीक है, कैसे जो है, ठीक है, परवाह करे, कैसे केयर करे भाई, ठीक है, ये है जो हमने यहाँ पर देखना है, ठीक है, कैसे जो इसको ध्यान रखे भाई, ठीक है। ध्यान क्या रखना है हमने, ठीक है, बैक्टीरिया जो आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं, इवन इन अवर माउथ, ठीक है, हमारे माउथ के अंदर भी जो है बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। कई बार आपने टीवी के अंदर जो एड देखी होगी कि जो है जब अल्ट्रा वायलेट लाइट से जो है माउथ को देखा जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह दिखाते हैं एड में आते हैं भैया, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा होगा। तो बट ऑल द बैक्टीरिया आर नॉट हार्मफुल टू अस, सारे के सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ जो हार्मफुल भी है। हाउएवर व्हेन वी डू नॉट क्लीन अवर माउथ प्रॉपरली, लेकिन यदि अपने माउथ को हम जो है टीथ को, ठीक है, प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं, कुछ हार्मफुल जो बैक्टीरिया है स्टार्ट ग्रोइंग इन द माउथ, हमारे जो है माउथ के अंदर जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं दीज बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया जो है टूगेदर विद द फूड पार्टिकल्स के साथ एंड स्लेवा के साथ एक जो थिन स्टिकी लेयर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेक कहते हैं, ठीक है। पीलापन चढ़ जाता है दांतों के ऊपर, उसी को तो प्लेक कहा जाता है, पी से प्लेक और पी से पीलापन जो है, ठीक है, स्टिकी लेयर है, पतली सी जो लेयर है स्लेवा और फूड के साथ मिलकर के कहती है, ठीक है, चिपक जाती है वहां पर सरफेस के ऊपर, की सरफेस के ऊपर। अब ये प्लेक जो रहेगा दैट इज नॉट रिमूव्ड बाय ब्रशिंग, ब्रशिंग के द्वारा भी रिमूव नहीं होता जब काफी दिन हो जाते हैं तो, और ये प्रोड्यूस करता है क्या, एसिड बनाता है, क्या बनाता है, एसिड बनाता है। अब ये एसिड का काम क्या है, ये एसिड क्या करता है, धीरे धीरे डिजोल्व करता रहता है हार्ड टूथ इनेमल को, ठीक है। मान लेते हैं आपका जो है, ठीक है, दांत जो होता है, ठीक है, वो ऐसा बना है भाई, ठीक है, एक दांत जो होता है, ठीक है, वो ऐसा बना होता है, ठीक है, यहाँ पर जो दांत रहेगा। अब इसके अंदर जो रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हल्का सा जो है, ठीक है, एक मान लेते हैं इसके ऊपर क्या, एक येलो ये जो है लेयर चढ़ जाती है। अब वो एसिड जो है यहाँ पर आएगा धीरे धीरे, और फिर इसके अंदर से जो है एक लेयर जो बनी हुई है, ठीक है, उसको जो है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या करता रहेगा, ईट करता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब फिर से क्या बन जाए, कैविटी बन जाती है, क्या बन जाती है, कैविटी बन जाती है। एसिड जो है इस टूथ इनेमल ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, सबसे हार्ड सब्सटेंस है भैया, टूथ इनेमल जो है सबसे हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड सब्सटेंस होता है, सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस ये रहेगा, ठीक है। और सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, अरे कौन है ये, ठीक है, बार बार जो आ रहे हैं दो बच्चे, जब से तो आते नहीं है ये, ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया भाई, इसलिए कहते हैं विच स्लोली गेट्स बिगर अंटिल वन लार्ज होल अपीयर्स, ठीक है, धीरे धीरे कैविटी हो जाता है, कैविटी कहते हैं ना दांतों में जो क्या हो गया, ठीक, कीड़ा लग गया, ठीक है, उस कीड़े को, कीड़ा नहीं होता, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्या बनाता है, प्लेक बनाता है, वो प्लेक क्या बनाता है, फिर एसिड बनाएगा, एसिड बनने से क्या बनेगा, ठीक है, जो आपका, ठीक है, जो हार्ड टूथ इनेमल है वो क्या हो जाएगा, जो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है,
अब डीजल हो जाएगा तो वहां पर जो है ठीक है, फिर वो जब मसल्स के साथ जो है ठीक है, जब भी हम कोई भी ठंडा या गर्म खाते हैं तो वो जाकर के वहां पर लगता है ठीक है, और जिससे क्या होता है हमें इरिटेशन होती है, इरिटेशन होने की वजह से ठीक है हमें जो प्रॉब्लम होती है, हम ठंडा और गर्म भी नहीं खा सकते, फिर ये दांत जो है टूथ जो है परमानेंट है, दोबारा तो आने नहीं वाले भाई ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगी यहाँ पर जो हमें ठीक है दिक्कत हो जाती है ठीक है। आगे आगे बात समझे भाई ठीक है, ये क्या है दिस इज कॉल्ड कैविटी, इसीलिए हमें जो क्या होना चाहिए डेली ब्रश करना चाहिए ठीक है, करना चाहिए डेली जो है ब्रश करना चाहिए ठीक है, डेली ब्रश ठीक है ब्रश करना चाहिए हमें जो खाना खाने के बाद जो है एक बार जरूर जो हम ठीक है अपने दांतों को जरूर साफ कर ले ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है टंग, आगे से सभी अपने दांतों को साफ करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, नहीं तो दांतों में क्या हो जाएगा तित के अंदर क्या हो जाएगी कैविटी हो जाएगी बेटा ठीक है ठीक है। अब ये कैविटी क्या करती है फिर जो है ठीक है, आप जो ठंडा या गर्म नहीं खा सकते हैं ठीक है, ठंडा जैसे कोल्ड ड्रिंक आप नहीं पी सकते हो ठीक है, गर्म जैसे टी है कॉफी आप तो उनका टेस्ट नहीं ले सकते, इवन जो आप कुछ भी खाएंगे ना ठीक है तब भी कहोगे प्रॉब्लम होगी ही होगी ठीक है। अब देख लेते हैं टंग, टंग क्या है, टंग क्या होता है एक फ्लैसी ठीक है, फ्लैस का मतलब क्या है मांस का बना हुआ है ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है जो कि प्रेजेंट होता है इसके अंदर माउथ के अंदर, ये हेल्प करता है टू मिक्स स्लाइवा विद द फूड ठीक है, स्लाइवा को जो है फूड के साथ मिक्स करता है वाइल चिंग, मतलब फूड को जो है मिक्स कराता है किसके साथ जो है स्लाइवा के साथ ठीक है। टंग का काम क्या है फूड को स्लाइवा के साथ मिक्स कराना, और जब हम ठीक है च्यू कर रहे हैं, च्यू मतलब चबा रहे हैं ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प इन स्वेलिंग, स्वेलोइंग, स्वेलोइंग मतलब स्वेलोइंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर निकलना, क्या होता है निकलना ठीक है, जब हम खाने को निकलते हैं ठीक है उस दौरान भी ये हेल्प करता है कौन टंग जो है ठीक है। टंग का काम समझ में आया, इट हेल्प टू मिक्स saliva विद द फूड व्हाइल चिंग एंड आल्सो हेल्प इन स्वेलोइंग, द टंग इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, जो टंग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, एंड इट हैज ए टेस्ट बड्स ठीक है, इसके पास कहते हैं जो फ्रंट जो होता है ठीक है वहां पर क्या होता है फ्रंट पोर्शन में कहते हैं टेस्ट बड होते हैं यहाँ पर ठीक है, इसके पास क्या रहते हैं टेस्ट बड रहते हैं यहाँ पर ठीक है, ये टेस्ट बड ये टेस्ट के लिए बताता है क्योंकि हमें सेंस कराता है कि वो डिफरेंट टेस्ट वहाँ पर जो कौन से रहेंगे ठीक है, कौन कौन से जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, स्वीट होता है ठीक है, स्वीट का मतलब क्या मीठा ठीक है, मीठे को टेस्ट कराएगा, साल्टी नमकीन ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा बीटर कड़वा ठीक, कड़वे को टेस्ट कराता है, और जो है खट्टा ठीक है, तो चार जो टेस्ट यहाँ पर जो रहते हैं वही ठीक है, जो सेंसेस और इसके अंदर टेस्ट बड जिन्हें हम कहते हैं ठीक है। तो इसके बाद जो रहेगा आपका डाइजेशन, समझ में आया भाई टंग, अब जो है डाइजेशन, डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, माउथ से स्टार्ट होती है, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, डाइजेशन आपका जो स्टार्ट होता है आप जो सभी याद रखेंगे हमेशा माउथ से स्टार्ट होता है, ये स्टमक से स्टार्ट नहीं होता भाई, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ ठीक है, माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर फूड क्या होता है मिक्स होता है किसके साथ भाई स्लाइवा के साथ ठीक है, तो फूड वहाँ पर क्या होगा स्लाइवा के साथ जो है मिक्स होगा, और डाइजेशन जो कहाँ से स्टार्ट होगा, डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ पर माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन जो है, स्लाइवा सिक्रेटेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड, अब स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा जो होती है ठीक है जिसे हम लार भी कहते हैं, क्या कहते हैं लार ठीक है, लार कहते हैं ना भाई जिसे आप जो लोकल लैंग्वेज में राड़ कह देते हो ठीक है, राड़ नहीं ठीक है लार होती है वो ठीक है, हिंदी में जो है हिंदी में लार ठीक है, तो सिक्रेट किया जाता है स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ पे होते हैं कौन बताएगा, स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ पे होते हैं बेटा, स्लाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में होते हैं ठीक है, कहाँ पे होते हैं माउथ में बक्कल कैविटी के अंदर है, कहाँ पे रहेंगे ये बक्कल कैविटी के अंदर रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे बक्कल कैविटी में ही आते हैं भैया ठीक है, बक्कल कैविटी में ही आएंगे जो आप ठीक है। अब स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर जो आपका रिलीज करता है क्या स्लाइवा, उसके अंदर क्या होता है डाइजेस्टिव जूस ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं इन द ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मतलब तोड़ना, किसका किसको तोड़ते हैं ठीक है, ब्रेकडाउन करते हैं स्टार्च को शुगर के अंदर, देखो भाई जो फूड हम खा रहे हैं ना वो कॉम्प्लेक्स है ठीक है, अब उसको हमने क्या करना है जो है तोड़ना है, ये तोड़ने का काम ही तो कौन कर रहे हैं डाइजेस्टिव जूस कर रहे हैं, अब ऐसे ही डायरेक्ट तो आप स्टार्च को तो ले नहीं सकते भाई ठीक है, तो उसको तोड़ते हैं छोटे के अंदर ठीक है, सिंपल के अंदर जो है सिंपल कंपाउंड आप बनाते हैं वहां पर जो है ठीक है, कौन ये तोड़ने का काम कौन करता है डाइजेस्टिव जूस करते हैं, डाइजेस्टिव जूस के अंदर क्या होता है एंजाइम होते हैं ठीक है, तो स्टार्च को जो शुगर के अंदर तोड़ दिया जाता है किसके द्वारा, इसके द्वारा तोड़ दिया जाता है ठीक है डाइजेस्टिव जूस के द्वारा, तो स्लाइवा जो है ऑल्सो मेक्स द फूड स्लिमी, स्लिमी बनाता है सो दैट इट कैन बी इजिली स्वेलो ठीक है, चिकना बना देगा इसको ठीक है, ताकि क्या हो जाए जो है फूड जो आसानी से क्या जा सके निकला जा सके,
once swallowed, जब एक बार जब फूड को स्वेलो कर लिया गया, the food passes from the mouth into a long tube. अब जो फूड जो है कहाँ पे जाता है, पास होता है माउथ से, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब के अंदर जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं. क्या कहते हैं? इसोफेगस. इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं. द वॉल ऑफ द इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट. अब जो वॉल होती है इसोफेगस की, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है. कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब सिकुड़ना, एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस अ वेव लाइक मूवमेंट. और जो वेव लाइक मूवमेंट वो प्रोड्यूस करती है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्लेटिक मूवमेंट भी कहते हैं. पेरिस्लेटिक मूवमेंट भी कहते हैं. दिस मूवमेंट हेल्प टू मूव द फूड डाउन इनटू ए लार्ज सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड स्टमक. तो फूड जो है कहाँ से जो है आपका, ठीक है, माउथ से होकर के, ठीक है, इस फूड पाइप के जरिए होता हुआ, ठीक, कहाँ पे आता है, वो आ जाता है स्टमक के अंदर. कहाँ पे आ जाता है, स्टमक के अंदर जो है, ठीक है, आ जाता है. ठीक है, ये आपका जो लार्ज सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन है, जिसे हम कहते हैं स्टमक भी कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टमक. ये क्या है? ये स्टमक है. ठीक, और इस वाले पाइप को जो हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फूड पाइप. क्या कहते हैं? फूड पाइप. ठीक है, इससे पहले जो हम, ठीक है, पढ़ ही चुके हैं भाई, ठीक है, वो माउथ रहेगा, बकल कैविटी. फूड पाइप जो कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ स्टार्ट होता है. यहाँ पर नो डाइजेशन, यहाँ पर जो कोई डाइजेशन नहीं होता फूड पाइप के अंदर, नो डाइजेशन. फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता, याद रखिएगा. फर्दर, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्टमक. स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होता है, द इनर वॉल ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस. जो इनर वॉल होती है स्टमक की, क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है, और म्यूकस, तीन थिंग्स जो है वो सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूस. ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, नंबर दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नंबर तीन क्या रहेगा, म्यूकस. ठीक है, ये तीन चीजें जो है यहाँ पर जो सीक्रेट की जाती है. डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन. डाइजेस्टिव जूस का काम क्या है, ये प्रोटीन को जो तोड़ता है सिंपलर फॉर्म के अंदर, प्रोटीन को पेप्टोन्स के अंदर या फिर उनके दूसरे पेप्टाइड्स या फिर अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ लिया जाता है. फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, यहाँ पर ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एंड प्रोवाइड्स करता है एसिडिक मीडियम फॉर इफेक्टिव डाइजेशन, जिससे कि आपका ये डाइजेशन जूस जो और भी ज्यादा काम कर सके. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर जो काम है. ठीक है, अरे बात समझ में भाई, अरे आ रहा है समझ में? ठीक है, तो स्टमक, अब स्टमक, स्टमक से कॉल्ड द काइम. ठीक है, इसे हम काइम कहते हैं. वो पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर उसके बाद जो डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जहाँ पर सिक्रेशन होगा लीवर का और पैनक्रियाज का. ठीक है, सिक्रेशन क्या होता है, रिलीज होता है. फिर ये कहते हैं फूड को फर्दर क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं. लीवर का काम क्या है, ठीक है, इसका जो काम है, ठीक है, हम जो यहाँ पर कल देखने वाले हुए. ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही. ठीक है, केवल यहाँ तक जो आपने स्टमक के फंक्शन तक जो आपने रीड करना है. कहाँ तक करना है, स्टमक के फंक्शन तक जो आपने रीड करना है. ठीक है, आज क्या बताया, इससे पहले टाइप ऑफ फिथ के बाद जो है क्या बताया आपको, टाइप ऑफ फिथ के बाद टंग के बारे में बताया. टंग के बाद, ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट हुआ, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है भाई, ये आपको जो बताया गया है, ठीक है, ये सारी बातें जो आपको बताई हैं, ये सारी चीजें जो आपने, ठीक है, ध्यान रखनी है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है काफी रखा है. ठीक है, ये आपका माउथ है. ठीक है, माउथ सलाइवरी ग्लैंड देखो यहाँ पर आपको ये दिखा रखा है. ठीक है, ये इसोफेगस है पूरा पूरा. ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये लीवर होता है. यहाँ पर ये स्टमक है. ठीक है, ये रहेगा कमेंट करके मुझे बताना है. ठीक है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप जो लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट, नेम द एसिड रिलीज बाय स्टमक. कौन सा एसिड जो रिलीज किया जाता है, नेम द एसिड Released by stomach. Stomach के द्वारा कौन सा एसिड रिलीज किया जाता है, Released by stomach. ये आपने बताना है. ठीक है, यदि आप इनके जवाब देते हैं तो आप जो है, ठीक है, जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा, ठीक है, विद्वान बन जाते हैं. ठीक है, स्टमक के द्वारा कौन सा एसिड रिलीज किया जाता है, नंबर दो क्वेश्चन. ठीक है, विच टिथ इज यूज, कौन सा टिथ जो है यूज होता है, यूज फॉर टीयरिंग. टीयरिंग के लिए कौन सा जो तिथ यूज होता है, ठीक है, ये आपने बताना है.
नंबर थर्ड, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड, वेयर स्लाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट, वेयर स्लाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट, स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं कहाँ पर मौजूद होते हैं, इन सभी के जो आंसर आपने लिखने हैं, कमेंट करके बताने हैं वीडियो के अंदर, ठीक है, बताओगे सभी, ठीक है भाई। और उसके बाद नंबर फोर्थ क्वेश्चन जो रहेगा, डाइजेशन इज, डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, ये ट्रू और फॉल्स है भाई, ठीक है, यस और नो में आपने बताना है, इज डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन फूड पाइप, फूड पाइप में फूड का डाइजेशन होता है या नहीं होता, ठीक है, आपने ये बताना है। चार जो है, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन देंगे, ठीक है, ये सभी के जो आंसर जो आपने कमेंट करके बताने हैं भाई, ठीक है, पिछली बार भी जो है, ठीक है, कुछ बच्चों ने बताए थे अंश ने, ठीक है, और जो है बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है, जवाब दिए थे, ठीक है, ठीक है, जवाब दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ने सीख रहे हैं भाई, ठीक है, जो है बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।